कृषि कानूनों के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प भाजपा समर्थकों से हो गई। बुधवार सुबह यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। खबर ये भी है कि इस घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई है। इस घटना के बाद गाजियाबाद एसएसपी कार्यालय पर भाजपाइयों ने जाम लगा दिया। कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा भाजपाइयों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के विरोध में भाजपाइयों द्वारा ये जाम लगाया जा रहा है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए थे। भाजपाई आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, जबकि भाजपाई आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने अभद्रता की। भाजपाइयों का आरोप ये भी है कि किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। अब इस मामले में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता मंच पर कब्जा करना चाहते थे। ये लोग यहाँ बीते कई दिनों से आ रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कड़े लहजे में कहा कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश में नहीं जाने दिया जाएगा। गांवों में भाजपा के झंडे लगी गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि किसानों का मंच इतना पसंद है तो पार्टी छोड़कर आ जाएं, किसान संगठन उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने हंगामा और मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है।